हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लिविंग विद ध्रुवी। तो आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। दिवाली बहुत ही नज़दीक आ रही है तो मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है हेल्दी दिवाली विद ध्रुवी। इसमें मैं आपको दिवाली से रिलेटेड सारी रेसिपीज़ दिखाऊँगी, वो भी हेल्दी वे में। तो आज हमारी पहली रेसिपी है शक्करपारे, जो मैंने बेक करके बनाए हैं। इसमें ऑयल का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये रेसिपी बहुत इजी एंड सिंपल है। तो सबसे पहले मैंने एक कप लिया है यहाँ आटा। आप चाहे तो मैदा यूज़ कर सकते हैं, हाफ कप शुगर और 3/4 कप सूजी और थोड़ा सा ऑयल। आप चाहे तो शुगर अवॉइड करके गुड़ भी ले सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुगर सिरप बनाएंगे। उसके लिए हमने जो शुगर ली थी उसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसे डाइल्यूट कर लेंगे। अगर आप इसकी जगह गुड़ लेना चाहते हो तो गुड़ थोड़ा सा गर्म करो और गुड़ जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो उसमें आप वाटर ऐड करके उसे डो बना सकते हो। तो आप शुगर और गुड़ दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो ये हमारा शुगर सिरप रेडी हो गया। अब हम हमारा डो प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने डो ले लिया है। यहाँ मैंने एक कप आटा लिया है और 3/4 कप सूजी ली है। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा 3 या 4 चम्मच ऑयल लिया है और इसे अच्छे से हम मोयन कर लेंगे। ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं और इसे हमारे शक्करपारे अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं और ऊपर से हमारे शक्करपारे क्रिस्पी बनेंगे। हम बाकी ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो 2 या 3 चम्मच ऑयल चलता है। तो ये हमारा आटा जैसे हम मुट्ठी बांधते हैं उतना हो तब तक हम कर लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा शुगर सिरप था उसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके फिर आटा गूंद लेंगे अच्छे से। हमें यहाँ पे हार्ड मतलब थोड़ा सा टफ आटा गूंदना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप ऐड करके मैंने आटा गूंद लिया है। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड करके आटे को अच्छे से हम एक समान कर लेंगे और उसके बाद हम आटे के एक समान पेड़े बना लेंगे। तो आटे का थोड़ा डो लेके मैंने यहाँ तो उसके सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसे बेलेंगे। हमें इसे ठीक बेलना है तो एक पेड़ा लेंगे और बेलन से हम बेल लेंगे। हमें थोड़ा सा ठीक ही बेलना है। देखिए हमें इतना थिक बेलना है और फिर इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो स्क्वायर कट कर सकते हैं पर शक्कर पारे थोड़े से ट्रायंगल कट करिए वो अच्छे लगते हैं। तो ऐसे पहले सीधा कट करिए फिर एक टेढ़ा कट कर दीजिए। देखो इसका शेप आ गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चलते हैं जैसे बेकिंग। हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पे इसे फ्राई कर सकते हैं पर हमें हेल्दी बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और इसमें हम हमारे शक्करपारे रख देंगे। इसे थोड़े से अलग अलग रखिए ताकि एक दूसरे पे चिपके नहीं। ऐसे हम अच्छे से इसमें सारे शक्करपारे रख देंगे। इसे बहुत समय तक बेक नहीं करना है। आप चाहे तो इस समय पे इसे फ्राई कर सकते हैं पर इससे अच्छा है कि आप डीप फ्राई करो, इससे अच्छा इसे बेक कर लो। वो उतने ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। तो हम अच्छे से फैला लेंगे हमारे शक्करपारे बेकिंग ट्रे पे। इसे मैंने बहुत अच्छे से अरेंज कर लिए हैं। ये देखिए आपको ऐसे ही इसे अरेंज करना है। उसके बाद हम बेक करने चलेंगे। तो हमने यहाँ अपना ओवन प्री हीट कर लेना है। 180 डिग्री पे हम हमारा ओवन 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे और उसके बाद इसे बेक करेंगे। नीचे मैंने पार्चमेंट पेपर रखा है। देखिए हमारे शक्करपारे रेडी है। इसे हमें 8 मिनट तक बेक करना है 180 डिग्री पे। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने खस्ता बने हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छे हैं। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। डीप फ्राई मत कीजिए, इसे सिर्फ बेक करिए और दिवाली में इंजॉय करिए। थैंक यू।